think I heard a noise around here. What was that? तो गाइस कल रात की बात है, जब मैं यहाँ पर सो रहा था मुझे बाहर से एक आवाज आती है एंड मैं देखता हूँ कि भाई बाहर कौन हो सकता है इतनी रात को। तो जब मैं जाकर वहाँ पर चेक करता हूँ ना, तो जैसे यहाँ पर मैं घर के बाहर जाता हूँ एंड मैं बाहर जाके देखता हूँ तो वहाँ पर दो डायनासोर होते हैं, बट वो डायनासोर मरे हुए होते हैं एंड ये सब देख कर भाई मैं डर जाता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर मिस्टर मीट की आवाज आती है, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मीट मेरे आस पास ही कहीं पर है। फिर यहाँ पर मैं बिना टाइम गवाए यहाँ पर घर के अंदर भागता हूँ एंड मैं भागता हूँ यहाँ पर जिम रूम के अंदर, बिकॉज जिम रूम के अंदर मिस्टर मीट नहीं आ सकता। एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक टैंक खरीद के लाता हूँ एंड वो वाला टैंक काफी महंगा था, वो मिस्टर मीट को मारने के लिए टैंक लाया था मैं। और मैंने यहाँ पर पुलिस वालों को फोन कर दिया, बिकॉज अगर पुलिस होगी ना तो मैं सेफ रहूंगा, ऑब्वियसली बात है। एंड अब मेरा मिस्टर मीट कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, बिकॉज मैं हाई सिक्योरिटी के अंदर हूँ, तो मिस्टर मीट मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पर मेरे डायनासोर और मेरे हॉर्स सभी यहाँ पर सेफ है। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या क्या मंगाया है मिस्टर मीट को मारने के लिए। तो सामने आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बड़ी चीज है रेड कलर की, हेड वो कोई चीज नहीं है बल्कि वो यहाँ पर एक टैंक है जो कि मैं मिस्टर मीट को इसी टैंक से मारने वाला हूँ। तो अगर मान लो कि यहाँ पर नाइट के अंदर मिस्टर मीट आएगा ना, तो इस वाले टैंक से मैं इसको आराम से इजीली मार सकता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले टैंक के अंदर बैठकर, एंड देखो इस प्रकार से टैंक है एंड इसका मुंह मैंने सामने कर रखा है, बिकॉज जैसे मिस्टर मीट दरवाजे से आएगा ना तो मैं तोप से उसको मार दूंगा, ठीक है। एंड देखो सामने ना बहुत सारे पुलिस वाले भी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि और मैंने क्या यहाँ पर तामझाम लगाया है ताकि मिस्टर मीट यहाँ पर ना आ सके। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर सामने खड़े कर दिए है, तो इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस वाले यहाँ पर रहेंगे ना तो मिस्टर मीट का बाप भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो मैंने यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कर दिया, मिस्टर मीट अभी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। बट मुझे पूछना है कि यहाँ पर ये डायनासोर और हॉर्स क्या अभी भी डरे हुए हैं क्या? मालिक, क्या मिस्टर मीट हमको मार देगा? मालिक मिस्टर मीट से हमको बचा लीजिए, बिकॉज मिस्टर मीट काफी खतरनाक है, वो इन सिक्योरिटी को भी तोड़ देगा, इन पुलिस वाले को भी मार देगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मिस्टर मीट यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी एंड पुलिस वाले एंड मेरा टैंक भी यहाँ पर है। अगर मिस्टर मीट यहाँ पर बाई चांस आ भी गया ना तो मैं उसको टैंक से मार दूंगा, तुम्हें कोई डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस यार ये वाला मिस्टर मीट काफी खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर होश डरे हुए हैं। बट यार मैं मिस्टर मीट को यहाँ पर आने नहीं दूंगा, बिकॉज मिस्टर मीट जैसे यहाँ पर आएगा ना उसको पुलिस वाले मार देंगे या फिर हम टैंक से मार देंगे उसको आराम से, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर डायनासोर से पूछना है कि डायनासोर आखिरकार कैसे डरे हुए हैं? मालिक मिस्टर मीट हमको जान से मार देगा, मिस्टर मीट काफी खतरनाक है, आप जानते नहीं हो मिस्टर मीट के बारे में, उसने हमारे भाइयों को भी पहली बार मार दिया था, हमें बचा लीजिए मालिक। अरे यार तुम बिना फालतू में यहाँ पर डर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर मीट आ भी नहीं सकता एंड नाइट भी यहाँ पर नहीं होने वाली है वैसे। अरे यार ये क्या भाई, यहाँ पर तो नाइट हो चुकी है। वो भाई अब मिस्टर मीट यहाँ पर आने वाला है तो मेरे को क्या होना पड़ेगा? मुझे आपसे सावधान होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टैंक के अंदर जाकर बैठने वाला हूँ एंड जैसे यहाँ पर मिस्टर मीट आएगा तो उसको मार दूंगा। बट वेट यार भाई, सामने यहाँ पर पुलिस वाले हैं एंड यहाँ पर मेरा टैंक खड़ा है, तो मेरे को नहीं लगता कि मिस्टर मीट यहाँ पर अटैक करने वाला है, तो मेरे को यहाँ पर बिल्कुल चिल लेने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अंदर जाकर सोऊंगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर मीट अटैक नहीं कर पाएगा मुझे पता है आराम से। बट एक सेकंड, यहाँ पर न्यूज के अंदर कुछ आ रहा है, देखना पड़ेगा न्यूज में क्या आ रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर मिस्टर मीट ने वापस से हमला कर दिया और अब की बार मिस्टर मीट ने यहाँ पर एक लड़के को किडनैप कर लिया है एंड सिटी का NPS का ये कहना है कि वो वाला मिस्टर मीट काफी बड़ा हैवान है एंड वो वाला हैवान मिस्टर मीट ना उस लड़के को खा जाएगा, कच्चा खा जाएगा, ठीक है। एंड यार पुलिस भी उसको लाने में असमर्थ है। वेट भाई, यहाँ पर मिस्टर मीट ने यहाँ पर एक लड़के को किडनैप कर लिया। यार मिस्टर मीट काफी खराब था यार, मुझे लगा यहाँ पर आने वाला है मिस्टर मीट, बट वो यहाँ पर तो आया नहीं, बिकॉज मेरी यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी देख कर यहाँ से वो भाग गया, बट उसने यहाँ पर एक लड़के को किडनैप कर लिया है। एंड गाइस अब ना मिस्टर मीट बचने वाला नहीं है, बिकॉज मैं मिस्टर मीट को खुद जाकर अब मारने वाला हूँ। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चलने वाले इस वाले टैंक को लेकर एंड उस मिस्टर मीट को मारने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि मिस्टर मीट कहाँ पे रहता है, तो मिस्टर मीट है हमारी सिटी के एक आगे बहुत ही एक सीक्रेट जगह है, वहां पर रहता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मिस्टर मीट कहाँ पे रहता है। बट मुझे यहाँ पर मिस्टर मीट को मारना पड़ेगा कैसे भी करके, बिकॉज उसने यहाँ पर एक लड़की को किडनैप कर लिया एंड उस लड़की को वापस से लेके आना है जो कि मिस्टर मीट के घर में कैद है गाइस, ठीक है। तो देखो यार रास्ता है ना ये मिस्टर मीट के घर जाता है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता लूंगा, ठीक है। तो इस वाले टैंक को लेके जाऊंगा, ठीक है, एंड उसके पूरा घर को उड़ा दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मिस्टर मीट का एक घर भी है जो कि इतना बड़ा तो है नहीं, बट वेट यार यहाँ पर मैं टैंक को लेकर नहीं जाऊंगा, बिकॉज टैंक की बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो मिस्टर मीट वहां से भाग सकता है अपने हाउस से। मुझे लगा ये टैंक लेकर आऊंगा तो वो भाग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, हम चलने वाले यहाँ पर कार शोरूम के पास में, वहां से अच्छी सी कार को बाय करेंगे एंड फिर कार को लेकर चलेंगे, बिकॉज कार की वहां पर आवाज उसे नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं टैंक को खड़ा करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी यहाँ पर लग्जरी कार है
एंड पिछली बार गया था ना मैं यहाँ पर कार लेके गया था, बट वेट यहाँ पर तो कुछ भी कार वार ही नहीं है। तो गाइस मेरे को लग रहा है कि मिस्टर मिट नाइट को आया था, इसने यहाँ पर कारों को डिस्ट्रॉय कर दिया, कार को फोड़ दिया ताकि मैं उसके घर के पास में ना आ सकूं। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, सामने एक कार है, इस कार को लेकर चलने वाले। ये देखो गाइस काफी अच्छी कार है, लैम्बोर्गिनी है। चलो भाई, अबे रुक जा भाई, ठोक रहा है मेरे को साले, इसको बाहर निकाल जल्दी से, बाहर निकल साले, एक लड़की को किडनैप कर लिया मिस्टर मीट ने और तू यहाँ पर घूम रहा है। तो गाइस हमें ये वाली गाड़ी लेके चलने वाले हैं मिस्टर मीट के घर गाइस यार। एंड आज तो भाई मिस्टर मीट भाई काम से गया, बिकॉज मिस्टर मीट ने यार काफी बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगा वो मेरे हाउस के ऊपर अटैक करेगा, बट भाई वो डर गया, मेरे हाउस पर अटैक नहीं किया, बट उसने यहाँ पर एक सिटी की एनपीएस की लड़की को किडनैप कर लिया। तो हम चलने वाले मिस्टर मीट के घर, और ये लो भाई यहाँ पर नाइट भी हो चुकी है। एंड आपको पता है कि नाइट के अंदर मिस्टर मीट के घर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मिस्टर मीट काफी खतरनाक होता है नाइट के अंदर। बट हमें कुछ नहीं देखना, हमें जल्दी से मिस्टर मीट के घर चलना है। अभी देखो सामने एक रास्ता जा रहा ना, वही मिस्टर मीट के घर के जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा रास्ता मिस्टर मीट के घर जाता है भाई। तो हम चलते जल्दी से, बट अरे आराम आराम चल भाई यार, अभी ये क्या कर रहा हूँ भाई, ये गाड़ी पलट जाएगी यहाँ पर भाई। ये देखो भाई सस्ते से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखो सामने रास्ता ना, यही मिस्टर मीट के घर जाता है, बस हम मिस्टर मीट के घर पहुंचने वाले हैं बस। और ये देखो भाई मैं मिस्टर मीट के घर पहुंच चुका हूँ गाइस फाइनली। एंड ये देखो मेरी कार है, एंड सामने यहाँ पर मिस्टर मीट की छोटी सी दुकान है जो कि मीट की दुकान है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मिस्टर मीट का घर। ये देखो भाई सामने आपको जो घर दिख रहा है ना, ये मिस्टर मीट का घर है। तो यहाँ पर मिस्टर मीट के घर के अंदर हम एंटर करने वाले हैं, यहाँ पर इस वाले गेट को खोलना पड़ेगा। चलो इसको खोल दिया मैंने, एंड मैंने ना यहाँ पर एक गन लेकर आया हूँ मिस्टर मीट को मारने के लिए। मेरे हाथ में एक गन है ना, इसी से मिस्टर मीट को मारने वाला हूँ। मैंने सामने मिस्टर मीट का घर है, खोलना पड़ेगा इसको। अभी मिस्टर मीट बाहर निकल, बट यार मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ पर ये वाला गेट लॉक कर रखा है, इसको खोलते हैं यहाँ पर। बट ये भी लॉक है यार, इधर से मिस्टर मीट को मैं देख सकता हूँ क्या भाई, इधर से भी नहीं देख पा रहा हूँ यार मैं। चलो यार यहाँ पर एक और खिड़की है, यहाँ से देखते हैं कि मिस्टर मीट भाई बाहर, भाई मिस्टर मीट को तो मारने वाला हूँ ठीक है। तो गाइस हम क्या करने वाले, मिस्टर मीट ने अपने आप को यहाँ पर लॉक कर लिया, बिकॉज मिस्टर मीट मेरे से डर गया होगा। ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है बस, इसका कुछ भी काम नहीं है। ये क्या है यहाँ पर, इसको देखना पड़ेगा। अबे ये तो वायर है। तो भाई यहाँ पर मिस्टर मीट के घर के अंदर लाइट्स है, बट हमारे घर के अंदर लाइट्स नहीं है। तो यहाँ पर एक पेड़ है, बट यार मिस्टर मीट के घर के अंदर कैसे एंटर कर सकता हूँ वो मेरे को आइडिया नहीं है। ओके यहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता, खोलते हैं इसको। बट इसको भी इसने ब्लॉक कर रखा है भाई, ये मिस्टर मीट इतना डर गया है मेरे से, इसने रास्ते ब्लॉक कर लिया, इसको खोलना पड़ेगा। एंड ऊपर कांच है, गोली मारूंगा यहाँ पर। अबे खुल गया, वाओ, इसको खोलते जल्दी से। एंड भाई मुझे मिस्टर मीट को खोजना पड़ेगा, बट एक सीक्रेट रास्ता है, आई थिंक वो वाली लड़की यहाँ पर हो सकती है। कहाँ पर है वो लड़की भाई, वो लड़की यहीं पर हो सकती है, बिकॉज मिस्टर मीट ने उसे यहीं पर पकड़ के रखा है। बट यहाँ पर वो लड़की नहीं है, मुझे ना यहाँ पर उस लड़की को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कैन वैन पड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि मिस्टर मीट यहाँ पर शराब पीता है, वाइन पीता है, दारू वारू पीता है गाइस। तो मुझे ना गाइस कैसे भी करके उस लड़की को एस्केप करना पड़ेगा। बट यार वो मिस्टर मीट कहाँ पर है, बट मेरे को ध्यान रखना है कि मिस्टर मीट को भी मुझे मारना है, वरना वो मिस्टर मीट मेरे को भी मार सकता है, बिकॉज मिस्टर मीट काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। तो ये मिस्टर मीट का किचन है, ये फ्रिज है। ओके ओके यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुको, इसको ओपन करना पड़ेगा। व्हाट भाई, यहाँ पर एक सीक्रेट टनल है। ओके इसके अंदर मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, नहीं 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 मुझे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये मिस्टर मीट का ट्रैप भी हो सकता है गाइस ठीक है। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, बट मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्टर मीट यहाँ पर कभी भी आ सकता है। बट यार ये मिस्टर मीट गया कहाँ पर, बिकॉज ये वाला मिस्टर मीट इसी घर के अंदर हो सकता था, बट यहाँ पर तो मिस्टर मीट है ही नहीं यार। तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मिस्टर मीट कहाँ पर है। यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है, ये भी ब्लॉक है भाई ठीक है। तो गाइस मुझे ध्यान रखना है कि मिस्टर मीट कहीं पर भी हो सकता है, बिकॉज पिछली बार उसने मुझे यहाँ पर डोर के पीछे छुप के मार दिया था। जैसे मैं घर के अंदर एंटर किया तो वो डोर के पीछे छुपा हुआ था, उसने मुझे आराम से मार दिया, धोखे से मार दिया। तो मिस्टर मीट धोखा भी करता है भाई। ओके ओके यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता, व्हाट इसके अंदर कुछ है क्या? अब यार इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है गाइस ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पे उस लड़की को फाइंड करना पड़ेगा कि वो सिटी के एनपीएस की जो लड़की है ना वो कहाँ पर है, बिकॉज मुझे कैसे भी करके यहाँ पर मिस्टर मीट को भी मारना है, एंड उस लड़की को यहाँ से लेके जाना है वापस इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी की सिटी के अंदर। बट भाई मुझे यहाँ पर मिस्टर मीट की आवाज तो आ रही है, बट मिस्टर मीट व्हाट भाई, सामने मिस्टर मीट है, वो देखो सामने। तो भाई मैं बाल बाल बच गया, वरना मेरे को मार देता है। तो गाइस हम क्या करने वाले, सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो लड़की यहीं पर कहीं पर हो सकती है। मिस्टर मीट को मैं बाद में मार दूंगा, बट पहले मुझे उस लड़की को छुड़वाना है यहाँ से, उस लड़की को एस्केप करवाना है कैसे भी करके, बिकॉज मेरा काम है उस लड़की को छुड़वा के लेके जाना। बट सामने वोट, ये क्या है भाई? ओके ओके ये क्या है, इसका कुछ काम है या फिर नहीं है, क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ चीज मिली है जो कि उसका नाम पिलर्स है, बट मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं कि ये क्या। और यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चाबी मिली है, बट वेट बाहर एक दरवाजा है जो कि बंद था, ब्लॉक था। तो आई थिंक उस वाले दरवाजे को मैं खोल सकता हूँ, इस वाली की से। तो हम देखने वाले कि इस वाली की से वो दरवाजा खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। तो देखो यार ये वाला दरवाजा की मैं बात कर रहा था,
इसको खोलते हैं यहाँ पर, एंड व्हाट भाई ये खुल चुका है यहाँ पर, यानी कि ये इसकी चाबी थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर लड़की के रोने की आवाज आ रही है, तो मेरे को ये लग रहा है कि इसी डोर के अंदर उसके सामने एक डोर है एंड इसी डोर के अंदर वो लड़की किडनैप है, बट मुझे मिस्टर मेट की फुटस्टेप आ रही है। तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि मिस्टर मेट यहाँ पर आने वाला है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मिस्टर मेट कहाँ पर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो सामने आपको मिस्टर मेट दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो यार भाई मिस्टर मेट ने ना सिटी के एनबीएल्स की लड़की को यहाँ पर नीचे टनल के अंदर किडनैप कर रखा है। मुझे उस दरवाजे को कैसे करके खोलना पड़ेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मिस्टर मेट तो चला गया है, उसको जाने दो। अभी देखो यहाँ पर प्लैंक डला हुआ है, मुझे इस वाले दरवाजे को खोलना पड़ेगा यार, कैसे खोलूं कुछ भी आइडिया नहीं है। ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या है। वैसे यहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता, देखो यहाँ पर एक सीक्रेट जगह है। तो ये वाली सीक्रेट जगह क्या काम की है एंड क्या यूज की है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, बट मुझे ना कैसे भी करके उस वाले दरवाजे को खोलना पड़ेगा। मिस्टर मेट को मैं बाद में मार सकता हूँ, बिकॉज मिस्टर मेट इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बट मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर एक पिलर्स मिला था, वो पिलर्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये रहा वो पिलर्स। तो आई थिंक सो इस वाले पिलर से वो वाला दरवाजा ओपन हो सकता है, हम ट्राई करने वाले, बट मिस्टर मेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर मेट कहीं से भी आ सकता है। तो इसको मैं यहाँ पर खोलने वाला, चलो इसको खोलते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर मैंने नेल्स को खोलना स्टार्ट कर दिया एंड आई थिंक सो यहाँ पर ये वाले प्लैंक्स हट जाएंगे। चलो यहाँ पर प्लैंक्स तो हट चुके हैं एंड यार ये दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। बट सामने देखो यहाँ पर मिस्टर मिट, वो देखो सामने मिस्टर मिट जा रहा। तो मुझे ना यहाँ पर और कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पर दरवाजे को खोलने के लिए, बिकॉज ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है ऐसे। तो मुझे उस लड़के को कैसे बचाना पड़ेगा भाई, यार मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो हम चलने वाले हैं ऊपर एंड देखने वाले हैं कि ऊपर क्या क्या चीजें, इसको ओपन करो। एंड ये वाला दरवाजा मैंने पहली बार देखा है, इसको बंद करो भाई जल्दी से, भाई मिस्टर मिट कभी भी अंदर आ सकता है गाइस। तो गाइस यार वेट भाई, देखो ये सामने भाई सिटी की एनपीएस की टांगे लटकाई है यहाँ पर मिस्टर मिट ने। भाई ये मिस्टर मिट कितना बड़ा दरिंदा आदमी है। तो गाइस हम क्या करने वाले, चलो आज चलते निकलते। बट अरे वेट गाइस, ये क्या है, इसको खोल सकता हूँ मैं, अरे हाँ इसको ओपन कर सकता हूँ, बट इसका यूज क्या है मेरे को कुछ नहीं पता। चलो यहाँ पर इनके नेल खटाते हैं, यहाँ पर ये वाले प्लैंक्स भी हट चुके हैं। और आई थिंक सो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ओके ओके ओके, यहाँ पर मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ गाइस, ठीक है। बट छत के ऊपर ओ वेट भाई, यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता, चलो यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। ओके ओके, यहाँ पर ये क्या है भाई, मुझे वापस से इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर जाना है यार। इसको ओपन करते हैं, ये ओपन नहीं होगा। इसके अंदर कुछ है, अबे यार इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली पीली पड़ाएगा इसे यार। इसको बंद करते हैं, हम वापस से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर निकल चुका हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मिस्टर मेट के घर का बाहर का नजारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बट गाइस मुझे यहाँ पर एमो चाहिए, बिकॉज मेरे गन के अंदर एमो नहीं है, वरना मैं मिस्टर मेट को मार देता, ठीक है। अभी गाइस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जंप करने वाले हैं एंड ओके ओके वेट, एक सीक्रेट रास्ता मिला है मुझे और मुझे यहाँ पर एमो मिल चुकी है गाइस। अब मैं मिस्टर मेट को मार सकता हूँ, तो जल्दी आ साले मिस्टर मेट, तेरे को मारने वाला हूँ। मेरे को मारेगा, मैं तेरे को ही मार दूंगा, रुक साले। अबे साले मिस्टर मेट को मार दिया साले। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस वाले मिस्टर मेट को तो मार दिया, देखो यहाँ पर मिस्टर मेट तो मर चुका है, ठीक है। बट मुझे उस लड़के को एस्केप कराना पड़ेगा। बट ये क्या है यहाँ पर, ओके यहाँ पर वायर कटर मिला है मुझे, बट इस वायर कटर का कुछ यूज है क्या मेरे पास, देखना पड़ेगा। तो हम चलने वाले वापस से उस वाले डोर के पास में, उसको ओपन करने वाले है। ये देखो वापस यहाँ पर लड़की की रोने की आवाज आ रही है, इसको ओपन करते हैं एंड आई थिंक सो खुल गया है। ओके ओके, ओ वाइस साहब खुल चुका है। ओके वेट 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 वेट, हम चलने वाले अंदर एंड देखने वाले कि वो लड़की कहाँ पर है, बिकॉज रोने की आवाज यहीं से आ रही है मुझे। तो यार ये कितना गंदा बना रखा है मिस्टर मेट ने। तो गाइस यहाँ पर वो लड़की है, ठीक है, एनपीएस की लड़की यहीं पर है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड ये देखो भाई, यहाँ पर सामने अंदर लड़की को किडनैप करके रखा है इस मॉन्स्टर ने। और आई थिंक सो यहाँ पर ये लड़की बेहोश है, मुझे यहाँ पर इस वाले डोर को ओपन करना पड़ेगा एंड इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बट वेट, यहाँ पर तो दो लॉक लगे हुए है। ओके यार ये देखो यहाँ पर एक लॉक है एंड ऊपर यहाँ पर एक और लॉक है। तो मुझे यहाँ पर दो चाबियों को फाइंड करना पड़ेगा इस दरवाजे को खोलने के लिए। यार कितना कुछ करना पड़ रहा है एंड अगर वापस से मिस्टर मेट उठ गया तो मुझे वापस से वो मार सकता है, बिकॉज मिस्टर मेट यहाँ पर मरा नहीं है, क्योंकि वो वापस से उठ सकता है गाइस। देखो यहाँ पर ना सामने एक और चीज है, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है। चलो इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक गन मिली है, इससे मिस्टर मेट को वापस से मार सकता हूँ। चलो गाइस हम वापस चलने वाले ऊपर, लेट्स गो। और मुझे यहाँ पर दो चाबियों को फाइंड करना पड़ेगा, उस लड़के को एस्केप कराना है। तो हम चलने वाले यहाँ पर हाउस के अंदर एंड हाउस के अंदर हमें दो चाबियों को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कम से कम एक घंटा बीत चुका है बट मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है गाइस, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर, ओके मुझे यहाँ पर कुछ कोड मिला है बट मैं कोड का क्या करूंगा कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके यहाँ पर ये क्या है, ओके मुझे यहाँ पर एक हैमर मिला है गाइस, ठीक है। तो हैमर से कुछ होगा क्या, ओके ओके मुझे यहाँ पर याद है, यहाँ पर एक मिरर है, उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे हैमर से। कहाँ पर चला गया वो मिरर, ये देखो इसको तोड़ना पड़ेगा एंड इसके अंदर मुझे एक मिनट रुको, यहाँ पर मुझे ना यहाँ पर कुछ कोड डालना पड़ेगा। तो मुझे फिलहाल यहाँ पर कोड मिला था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो वाला कोड मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा,
तो मुझे वो कोड लेके आना पड़ेगा। वो कोड कहाँ पर है? बिकॉज मिस्टर मिट कभी भी आ सकता है यहाँ पर, तो कहाँ पर वो कोड? ये देखो, ये रहा वो कोड। तो क्या इस वाले कोड को हम लगाने वाले, जल्दी से दे भाई, मिस्टर मिट आ सकता है यहाँ पर कभी भी। तो ये कोड है ना यहाँ पर हम लगाने वाले, इसके अंदर देखते फिर क्या मिलता है। चलो मैं यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर मुझे कुछ मिला है, बट ये क्या? ओके, मुझे यहाँ पर चाबी मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली चाबी से मैं उस वाले गेट को खोल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक चाबी तो मिल चुकी है, तो चलो भाई यहाँ पर ये वाली चाबी यहाँ पर लगाते हैं। ओके, इस पर लगेगी। चलो यहाँ पर मैंने रेड वाला लॉक तो खोल दिया, बट अब मुझे यहाँ पर एक और चाबी चाहिए गाइस, ठीक है। एंड ये वाली चाबी मुझे कहाँ पे मिलेगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी देखो सामने लड़की यहाँ पर सो रही है भाई, मतलब इसको मुझे वापस से इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर वापस से लेके जाना है। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, ये देखो सामने यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा है, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर ही वो चाबी हो सकती है, बट इसको खोलू कैसे मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक दिल का आकार का कुछ बना हुआ है, बट ये क्या है एंड कुछ क्या नहीं है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। मेरे कुछ भी इस गेम के अंदर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भाई यार। तो हम क्या करने वाले, हम चलने वाले हैं यहाँ से जल्दी से। एंड भाई मैं यार दूसरी चाबी को कहाँ से फाइंड करूंगा, एंड वो वाला मिस्टर मेट कभी भी आ सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि वो वाला मिस्टर मेट इंडियन बैग ड्राइविंग 3D के अंदर चला गया है, तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, एंड इसके अंदर कुछ है तो मेरे को दो भाई। ओके, इसके अंदर मुझे ग्लव्स मिला है, बट इस ग्लव्स का मैं क्या करूंगा कुछ भी आइडिया नहीं। इसको ओपन करते हैं गाइस, ठीक है। एंड भाई देखो यहाँ पर वो खतरनाक सा सुअर भी यहीं पर है, उससे बचकर रहना पड़ेगा, बिकॉज वो वाला सुअर मार देता है गाइस। तो मुझे ना यहाँ पर इसके अंदर देखना पड़ेगा भाई, मुझे वो चाबी को फाइंड करना है कैसे भी करके यार। तो यहाँ पर वो चाबी नहीं है भाई, वो चाबी मेरे को मिलेगी कहाँ पर, मेरे को तो कुछ भी आइडिया नहीं है। बट वेट, यहाँ पर सुअर है वो देखो सामने भाई, ये वाला सुअर मिस्टर मेट का सुअर है, एंड काफी खतरनाक मारता है। बट वेट, ये क्या है यहाँ पर? ओके, मुझे यहाँ पर कुछ वुडन हार्ट मिला है। ओके, मैं समझ गया मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी देखो ये वाला जो चीज है ना, वहां पर उस वाली सीक्रेट डोर के अंदर लगने वाली है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो सामने सीक्रेट डोर है ना, इसी के अंदर ये लगने वाली है। इसको लगाते हैं यहाँ पर, एंड आई थिंक सो भी ओपन होने वाला है। चलो गाइस, ओके ओपन हो चुका है, एंड मुझे लग रहा है कि वो वाली चाबी ना इसी के अंदर हो सकती है। इसके अंदर हम एंटर करेंगे, और आई थिंक सो ये कुछ नाला टाइप का कुछ है। ओके, मुझे यहाँ पर पीस ऑफ वुड मिला है, बट ये पीस ऑफ वुड क्या है कुछ भी आइडिया नहीं है भाई अपन को। हम बाहर निकलते हैं, मुझे यहाँ पर मिस्टर मिट की आवाज भी आ रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मिट वापस से हमारे इस वाले घर के अंदर आ चुका है। तो हम क्या करने वाले, अब हमें एक काम करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा काम है। इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको फोड़ना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर चाबी निकलेगी। ये देखो भाई यहाँ पर चाबी आ चुकी है। अब है ना गाइस, मुझे कुछ भी नहीं करना, अब ये चाबी मुझे वहां पर जाकर लगानी पड़ेगी। एंड आई थिंक सो की बार वो दरवाजा खुलने वाला है। तो हम चलने वाले हैं यहाँ पर अंदर, एंड उस दरवाजे को ओपन करने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, ठीक है। चलो गाइस यार, एंड भाई मिस्टर मेट ने यहाँ पर काफी बड़ा ट्रैप लगा रखा है। मिस्टर मेट में काफी दिमाग है गाइस, ठीक है। तो इसको हम ओपन करने वाले हैं, एंड गाइस इसको यहाँ पर लगाते हैं, एंड हमने ये वाला दरवाजा ओपन कर दिया है। एंड भाई जल्दी से कर, वरना वो मिस्टर मेट कभी भी यहाँ पर आ सकता है, तो वो हमें मार सकता है गाइस, ठीक है। तो मैंने दरवाजा तो ओपन कर दिया है, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सामने से मिस्टर मेट ना जाए, बिकॉज अगर इस लड़की को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, एंड सामने से अगर मिस्टर मेट आ गया ना भाई, तो बहुत लफड़ा होने वाला है। तो चलो भाई जल्दी से हम चलते हैं गाइस, लेट्स गो गाइस, ठीक है। एंड बाहर निकलने वाले, तो यहाँ पर मिस्टर मेट नहीं आया, एंड इस वाली लड़की को हमने आराम से बाहर निकाल कर हम वापस से इंडियन बैग ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर जाने वाले हैं। एंड ये देखो भाई मिस्टर मेट यहाँ पर खड़ा रह गया। तो गाइस मैंने यहाँ पर मिस्टर मेट को मार दिया, एंड मैंने उस लड़की को वापस से इंडियन बैग ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर वापस में लेकर आ चुका हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि यार ये वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।